अपने पिता ब्रिगेडियर लीडर को खोने के बाद उनकी बेटी आशना बहुत दुखी है। 17 साल की उम्र है, पिता को खो देने का गम कैसा होता है उनके दुख भरे शब्दों से पता चलता है। ब्रिगेडियर लीडर की बेटी आशना ने एक किताब भी लिखी है जिसका 27 नवंबर को विमोचन हुआ था। 184 पन्नों की यह किताब असल में एक कविता संग्रह है। इस किताब का शीर्षक है इन सर्च ऑफ अ टाइटल म्यूजिंग्स ऑफ अ टीनेजर। इस किताब में आशना ने सेना के ऑपरेशंस उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी लिखा है। सोचिए 16-17 साल की उम्र में एक बच्ची इस तरह की किताब लिख दे। जिस कार्यक्रम में इस किताब का विमोचन हुआ उसमें खुद ब्रिगेडियर लीडर सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत और किरण बेदी मौजूद थे। सोचकर देखिए कि जीवन कितना अनिश्चित है और जीवन के घुमावदार मोड़ किस तरह सुख दुख की परिभाषाएं बदल देते हैं। हफ्ते भर में घर संसार परिवार सब कुछ बदल गया। पूरा देश पिछले 3 दिनों से गमगीन है। एक हादसे ने हमसे उन लोगों को छीन लिया जिन्होंने कई मौकों पर हमें गर्व करने की वजह दी थी। दुख की बात यह है कि हेलीकॉप्टर क्रैश पर उठने वाले सवालों पर राजनीति का रंग भी चढ़ना शुरू हो गया है। बात यहां तक पहुंच गई कि भारतीय वायुसेना को ट्वीट करके ये याद दिलाना पड़ा कि एक ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन हो चुका है। ये जांच बहुत तेजी से पूरी की जाएगी और सारे तथ्य देश को जरूर पता चलेंगे, लेकिन तब तक बेबुनियाद अटकलों और अफवाहों को हवा देने से बचना चाहिए और सैनिकों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। देश ने एक ऐसा हादसा देखा जिसे वो वर्षों तक नहीं भूल पाएगा। इस हादसे में देश ने अपने पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कई सेनानियों को खो दिया। यह हादसा एक ऐसे हेलीकॉप्टर MI-17V5 में हुआ जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों की बोलती बंद कर देने में सक्षम था। ऐसे में इस हादसे ने कई सवाल छोड़ दिए हैं और सवालों में राजनीतिक रंगों की मिलावट भी होने लगी है। ये ऐसा देखिए, ऐसे घटनाओं में सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए। ये तो श्रद्धांजलि है, ये वाद विवाद का नहीं है, फॉर एंड अगेंस्ट का नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हम लोगों की मांग नहीं थी, पूरे देश की ये इच्छा थी कि सदन देश के चरित्र का, उसके मानस का प्रतिनिधित्व करता है। उस मानस की इच्छा थी कि हम लोग कलेक्टिवली अपने अपने फ्लोर लीडर से के थ्रू अपनी बात रखें, ताकि पूरे सदमे में जो देश है ना उसको एक संकेत, एक संदेश अच्छा जाता। और जो कोई भी फ्लोर मैनेजर थे बीजेपी की तरफ से, उनसे एक चूक हुई है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, शिकायत के भाव से नहीं कह रहा हूं। हादसे से पहले का जो वीडियो सामने आया था उसने कुछ सवालों के जवाब आसान बनाए। जैसे मौसम खराब था ये साफ नजर आया, इससे विजिबिलिटी कम हो गई थी। इसके अलावा चॉपर में कोई तकनीकी खराबी आ गई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। पावरफुल इंजन है, दो दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और उसमें हमारे सेनापति साहब मारे जाते हैं। मुझे लगता है हम बोलते हैं कि हमारे डिफेंस क्षेत्र का आधुनिकीकरण हो गया है, लेकिन हमारे सेनापति ऐसे हेलीकॉप्टर में मारे जाते हैं। लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं। पहले सीडीएस जो तीनों दलों के ऊपर जिनकी जगह थी, तो इसका बड़ा भारी दुख जो है सब लोगों के दिल में है और साथ साथ कुछ शंका जो है दिलों में है कि ये कैसा हो सकता है। इस मामले में ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात कही गई है। हादसे का अहम गवाह FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी है, जिसे आम बोलचाल में कई बार ब्लैक बॉक्स भी कह दिया जाता है। इससे भी पता चल सकेगा कि हादसे की वजह क्या है। इस हादसे की जांच का जिम्मा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के पास है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर इंस्पेक्शन और सेफ्टी से जुड़े मुद्दों के एक्सपर्ट हैं। ये भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड के कमांडर हैं। वो खुद भी पायलट हैं और उन्हें 6000 घंटों से ज्यादा के उड़ान का अनुभव है। उन्होंने सियाचिन, उत्तर पूर्व भारत और उत्तराखंड जैसे इलाकों में भी उड़ान भरी है।
एयर मार्शल मानवेंद्र को विशिष्ट सेना मेडल, वीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। जिस वीडियो को देखकर शंकाओं से भरी राजनीति हो रही है, उस पर एयरफोर्स की तरफ से एक संदेश भी आया है। भारतीय वायुसेना ने आज एक ट्वीट करके कहा, 8 दिसंबर 2021 को हुए दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। जांच तेजी से पूरी की जाएगी और तथ्यों को सामने लाया जाएगा। तब तक मृतकों की गरिमा का सम्मान करते हुए बेबुनियाद अटकलों से बचा जाना चाहिए। इस संदेश का सार ये है कि कुछ सेकंड का वीडियो देखकर रोमांच और उत्सुकता तो पैदा होती है, लेकिन गंभीर मामलों की जांच केवल वीडियो के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर होती है और सेना इसका पूरा ख्याल रखेगी। आज तक ब्यूरो।